प्रोग्रेसिव वेब एप्स। जी हां दोस्तों, मैं गुलाम हैदर और आपके सामने इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि PWA यानी प्रोग्रेसिव वेब एप्स क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं और इनको हम क्यों बनाते हैं और आजकल की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो PWA क्यों यूज़ करती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, PWA यानी प्रोग्रेसिव वेब ऐप जो है, ये वेब डेवलपमेंट की दुनिया में एक नई टेक्निक है। वेब डेवलपमेंट में एक नई टेक्निक है वेबसाइट्स बनाने की। ये आपकी बिल्कुल वेबसाइट्स जैसी ही होती है, लेकिन आपको फ्लेवर जो है वो नेटिव ऐप्स का देती है। यानी कि आप ऐप स्टोर पर जाएँ, गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ, आपको प्ले स्टोर पे ऐप्स डाउनलोड करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह आप जो है अपनी वेबसाइट जो है वो ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि दोस्तों, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं या वेबसाइट बनाई है, तो इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है PWA टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इससे आपके यूज़र्स जो हैं वो अपडेट रहते हैं, उनको डाटा बिल्कुल फ्रेश मिलता है और उनको नेटिव ऐप का एक्सपीरियंस मिलता है। इसके बाद इजी इंस्टॉलेशन होती है, सबसे बड़ी ये सेफ्टी होती है इसमें। उसके बाद कुछ नोटिफिकेशंस के फीचर्स हैं, स्प्लैश स्क्रीन के फीचर्स हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नेटिव ऐप्स जो कि आप दूसरी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, ये चीज़ें आप जो है ना वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। तो इसमें फ़र्क सिर्फ ये है इतना कि आपको अपनी वेबसाइट्स का ये जो है प्रोग्रेसिव वेब ऐप PWA एडिशन, ये आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं करना पड़ता। तो अगर नहीं करना पड़ता तो फिर आपके यूजर्स तक, आपके रीडर्स तक, आपके ब्लॉग रीडर्स तक, आपके वेबसाइट रीडर्स तक ये कैसे पहुँचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो मैंने सबसे पहला फीचर लिखा है ऐप लाइक एक्सपीरियंस, वो है क्या चीज़। और ऐप लाइक एक्सपीरियंस में अगर दोस्तों अगर आपके पास जाऊँ तो आपको पता लग जाएगा कि देखिए, बिल्कुल आप जब अपनी वेबसाइट को एग्जिस्टिंग है या अभी न्यू बना रहे हैं, सोच रहे हैं, तो दीज ऐप्स मिमिक नेविगेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ नेटिव ऐप्स। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि आप देख भी रहे हैं कि बिल्कुल आपकी जो नेटिव ऐप्स होती हैं उनका फ्लेवर आपको देती है आपकी वेबसाइट। आप एक दफ़ा इस्तेमाल करें उनको, ठीक है, और यूज़र का जो होता है, आपका जो रीडर है, उसको बिल्कुल आपकी नेटिव ऐप्स का ही एक्सपीरियंस आ रहा होता है। आपने बस शॉर्टकट होम स्क्रीन जो है ना वो अपने ब्राउज़र से जाना है और अपने ब्राउज़र पे सबसे पहले वेबसाइट खोलनी है जो भी है PWA एडिशन इनेबल। अगर उसका वेबसाइट खोलेंगे आप ब्राउज़र पे, फेवरेट ब्राउज़र पे, और उसके बाद आप जो है ना उसका शॉर्टकट होम स्क्रीन पे डाउनलोड कर लें, और नेक्स्ट टाइम आपके इंटरनेट ना भी हो, विदाउट इंटरनेट भी जो है वो आप ऑफलाइन एडिशन उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो है वो, अगर मैं आपको बताऊँ कि जो है वो मैंने उसका दूसरा जो फीचर लगाया है वो है पुश नोटिफिकेशन, जो कि इसको बड़ा डिफरेंशिएट करता है दूसरी ऐप से या दूसरी वेबसाइट से। तो अगर देखा जाए तो पुश नोटिफिकेशंस में क्या होता है, देखें दोस्तों, आप सबसे पहले अगर मोबाइल पे अपनी कोई भी नेटिव ऐप यूज़ करते हैं लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह, तो आप जो ही इंटरनेट ऑन करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहते हैं। ऑफलाइन भी हों तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं कि भाई फ़लाँ बंदे ने आपको लाइक किया, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया। तो बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल कि ये उसमें फीचर्स में शामिल है कि आप जो हैं वो, आपने एक दफ़ा अपनी शॉर्टकट बना लिया अपनी PWA ऐप का अपनी होम स्क्रीन पे, तो आप जब नेक्स्ट टाइम उसको खोलेंगे या ना भी खोलें तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। नोटिफिकेशन किस चीज़ का, नोटिफिकेशन आपको वो मिलते हैं जिसमें आप जो हैं, अगर जो है ओनर ने PWA वेबसाइट जो है, उसके ओनर ने जो है, उसके एडिटर ने नया कोई नया ब्लॉग लिखा है, कोई नई जॉब पोस्ट की है, कुछ भी किया है, तो वो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे उसी तरह बिल्कुल काम करता है जैसे आप YouTube के बटन पर सब्सक्राइब करते हैं और बेल के आइकन को, नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो उसी तरह मिल जाती है। तो इसके कुछ फीचर्स मैंने लिखे हैं पुश नोटिफिकेशन के, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो बिल्कुल जी, ये गुड मैसेजिंग स्ट्रेटजी है अगर आप ये PWA ऐप यूज़ कर रहे हैं। आप ये खासतौर पर डेवलपर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पुश नोटिफिकेशन कैन कीप कस्टमर इंटरेस्टेड। आप जो है बिल्कुल, अगर मैं यूज़र हूँ तो मैं देखूं तो बिल्कुल मैं इसको लाइक भी करूंगा कि भाई ऐसा ही है, मैं जो है वो बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मुझे कोई ऐसी वेबसाइट मिल गई है जो कि कुछ नोटिफिकेशंस दे रही है, आप जो ही फ्रेश कर रहे हैं वेबसाइट को, अपडेट कर रहे हैं, वो मुझे उसका नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पे ऑफलाइन भी मिल रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ। मोटिवेटिंग देम टू ओपन एंड यूज़ ऐप मोर्स, मतलब बिल्कुल आसान है कि आप जो है वो यूज़र को एक्सपीरियंस देंगे तो वो यूज़र क्यों नहीं आपको आपकी ऐप को पसंद करेगा, और वो यूज़र आपकी वेबसाइट को, आपकी नेटिव ऐप को, आपकी PWA ऐप को ज़्यादा यूज़ करेगा। दिस ऐप शुड कीप द यूज़र इंगेज।
A PWA provides features like push notifications, home screen icon, full screen and offline first app to glorify users engagement. तो viewers ये कुछ इसके features थे मैंने जो लिखे हुए थे, तो उसके बाद देखते हैं कि आप ये मैंने जो है आपके लिए इसमें PWA में दूसरा notification क्या होता है. तो दोस्तों अगर मैं देखे जाए तो self updates में जाते हैं, तो self updates का मतलब क्या है कि आपको notification से ही related है ये कि आपको able to update themselves automatically, मतलब ये users की बात कर रहा है. App stay fresh कि आप जब भी आपका ओनर जो है आपकी वेबसाइट का जो डेवलपर है वो कोई नया ब्लॉग पोस्ट करता है, कोई नई जॉब पोस्ट करता है या कुछ भी करता है, उसमें कोई नया एडिशन डालता है, तो वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा. ये सेल्फ अपडेट्स हैं इसकी कि बिल्कुल जो है वो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि दोबारा आप ब्राउज़र पर जाएँ और ये करें. आप जस्ट उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और सिंपल आपको वो अपडेट मिल जाएगी. उसके बाद अगर दोस्तों मैं कहूं कि ये इजी इंस्टॉलेशन है तो बिल्कुल है जी. PWA जिस तरह हमारी नेटिव ऐप्स होती हैं, मैंने आपको बताया ये उनका फ्लेवर देती है, उनका एक्सपीरियंस देती है. आपको सिर्फ करना क्या पड़ता है कि नेटिव ऐप्स में आपको प्ले स्टोर पे या गूगल ऐप स्टोर पे जाके उसको ढूंढ के सर्च करके आपको जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि PWA ऐप इनेबल है, ठीक है, आप ये वेबसाइट जो है वो PWA एडिशन इनेबल है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ब्राउज़र पे जाना है, मोबाइल के ब्राउज़र पे आपने उसे खोलना है, उस वेबसाइट को विजिट करना है और आपके जो सेटिंग का बटन है ब्राउज़र का उसमें जाके आपने इसको ऐड टू शॉर्टकट होम स्क्रीन कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपकी आइकन जो है ना आपका आइकन क्रिएट हो जाएगा जो है आपकी होम स्क्रीन पे आप मोबाइल की, तो उससे आप फिर ऑफलाइन भी उसको टच करें जिस तरह आप दूसरी ऐप चलाते हैं और आपका ये चलेगा. इफ वी वांट टू मेक वेब एप्स क्लोजर टू नेटिव एप्स दे हैव टू बी इंस्टॉलेबल एंड शुड रिजाइड इन द होम स्क्रीन अलॉन्ग विद अदर नेटिव एप्स सो दैट यूजर्स कैन एक्सेस PWA इन वन क्लिक. बिल्कुल जी यूजर्स, बिल्कुल ऐसा ही है. और इसके बाद देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है. दोस्तों अगले मैं अगर आपको बताऊं कि ये इन फीचर्स के बाद PWA यूज़ कर रहा है कोई यूज़र, तो बताएं इसकी कोई सेफ्टी भी होनी चाहिए, तो हाँ जी बिल्कुल इसकी सेफ्टी है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी है. सबसे पहले नंबर पे वो ये है कि चूंकि ये वेब ऐप्स जो हैं PWA ऐप्स जो हैं ये नेटिव ऐप्स की तरह एक्सपीरियंस देती हैं, तो क्या ये टोटली HTML5 के सर्विस को वर्कर्स पे ही बेस करती हैं, HTML5 पे ही बेस करती हैं, और ये इनके जो सर्विस को वर्कर्स हैं इन्हीं की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होते हैं जो कि सर्वर सर्व थ्रू HTTPS के करती हैं. अगर आप ये कहें कि जी आपकी वेबसाइट जो है वो HTTP रन कर रही है, तो नहीं, ऐसे नहीं है. वो PWA जो है वो वेबसाइट आपकी नहीं बन सकती, आपकी ऐप नहीं बन सकती. आपको मस्ट है कि सर्व थ्रू HTTPS करनी चाहिए, जिसको बोलते हैं SS सिक्योरिटी लेयर, जो कि आज मतलब कोई भी ब्राउजर जो है वो इसको सपोर्ट करता है. उसके बाद अनऑथराइज्ड यूजर्स कांट एक्सेस देयर कंटेंट, मतलब आप जो है वो सेफ्टी में ये तो इसको रखा हुआ है कि भाई आप जो है वो इसका जो ब्लॉग का कंटेंट है, इसका ऐप का जो कंटेंट है, वो कोई भी यूज़र नहीं दे सकता अगर वो अनऑथराइज्ड वे से आ रहा है आपकी ऐप पे. तो उसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि समरी में मैं चला जाऊं अगर, तो समरी में मैंने वो फीचर्स भी लिखे हैं जो कि इसमें मैंने सामने नहीं लिखे हैं. तो दोस्तों मैं समरी में सबसे पहले आपको बताता हूँ कि समरी है क्या, समरी में जो है ना वो आपको मिलेगा क्या. ऐप लाइक एक्सपीरियंस मैंने आपको सबसे पहले बताया, उसके बाद पुश नोटिफिकेशंस जो हैं ये मैंने आपको सबसे पहले बताया, सेफ्टी बताई है आपको, आपके मोबाइल में कोई ऐसी कोई मतलब स्पैम कंटेंट ऐप्स इंस्टॉल करते वक्त कोई ऐसी चीज़ इंस्टॉल नहीं होगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत सेफ्टी है, सेफ है आपकी मोबाइल्स के लिए भी, यूजर्स के लिए भी. उसके बाद इजी इंस्टॉलेशन, आपको जाके इंटरनेट इस्तेमाल करके आपको प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे ढूंढना नहीं पड़ेगा उस ऐप को, सिंपल आपने वेबसाइट एक दफ़ा खोलनी है, ठीक है, अपने ब्राउज़र पे, और उसको ऐड टू होम स्क्रीन शॉर्टकट कर देना है. और दूसरी बात फास्ट है इसका, मैं सबसे पहले बता दूं कि आप जब फर्स्ट टाइम रन करेंगे इस ऐप को तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है, क्योंकि ये इसके जो कोवर्कर्स सर्विस कोवर्कर्स के जो कैशे हैं सर्वर पे वो इसको थोड़ा टाइम लेते हैं इसको ऑफलाइन करने में, तो जब नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो वो बिल्कुल दूसरी ऐप्स के 100 गुना फास्ट होगी. उसके बाद रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव मतलब आपके मोबाइल पे हर स्क्रीन डिवाइस पे आप जिस पे भी देखेंगे आपको वो रिस्पॉन्सिवनेस मिलेगी. इसके बाद
स्प्लैश स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन का मतलब आप सबसे पहले कोई ऐप खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, तो सबसे पहले ऊपर इंस्टाग्राम का जो है वो आइकन नज़र आता है आपको, लोगो नज़र आता है, और नीचे लिखा आता है फ्रॉम फेसबुक, या फेसबुक की ऐप खोलते हैं या व्हाट्सएप खोलते हैं तो उसके नीचे भी ये चीज़ें लिखी आती हैं। वो जो आपकी पहली स्क्रीन जो आपको ऐप खोलने में नज़र आती है वो ये होती है स्प्लैश स्क्रीन। और ये वेबसाइट्स जो है वेब की टेक्नोलॉजी में जो नया फीचर है, नई टेक्निक है वेब डेवलपमेंट में PWA, वो भी यही आपको काम देती है। और अगर ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं दोस्तों, तो बताएं आप यूजर्स एज अ यूजर आप देखें तो ये बताएं ये रिलायबल है कि नहीं, तो इसलिए मैंने इसको रिलायबल को एंड पे लिखा है। तो व्यूअर्स ये तो था हमारी समरी PWA एप्स के बारे में इंट्रोडक्शन, और जो है वो यूजर्स जिनको नहीं पता है, जो डेवलपर्स जिनको नहीं पता है, वो भी इस बारे में अब जान चुके होंगे कि भाई PWA क्या है और हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, और हर डेवलपर हर कंपनी जो है वो अब क्यों कर रही है इस चीज़ को फोर्स कि भाई हम अपनी ऐप जो है वो PWA एप्स बनाएं। तो दोस्तों एंड पे सब हमेशा की तरह मैं आपको जो है वो सबसे आपको बताऊं कि आपने वीडियो देखी, आपको ये सब कुछ पता लगा, तो एंड पे जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है ना वो इजीली नोटिफिकेशंस PWA की तरह मिल जाए। तो आपने रेड बटन पे क्लिक करना है, हिट करना है उसे, और साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो इजीली इनबॉक्स में मिल जाए। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट आउट फीडबैक। तो सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।